नमस्कार। मैं आज आपको अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के सुरक्षित प्रदेश उत्तर प्रदेश, दंगा मुक्त प्रदेश, अपराध मुक्त प्रदेश, एंटी रोमियो स्क्वाड वाला प्रदेश की कथा सुनाते हैं। और ये कथा जो है करीब 1/85 भाग है सत्यता का, क्योंकि 80 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, तो उसमें एक जिला मेरठ भी है। मैं वहाँ का बताता हूँ कि कितने सुरक्षित हैं यहाँ पे लोग। तो सबसे पहले तो एक डकैती पड़ी है, मेरठ में दिन दहाड़े महिंद्रा कंपनी के सेल्स मैनेजर के घर 10 लाख की चोरी। बेचारे मैनेजर साहब जो थे, प्रतापपुर थाने के सामने उनका कार्यालय था और वहीं वृंदावन कॉलोनी में उनका मकान था। उनकी बहन नोएडा में बीमार पड़ी, सुबह 10 बजे वो योगी जी के सुरक्षित शहर में अपने मकान में ताल लगा के चले गए। शाम को जब आए तो बड़ी सुरक्षा से किसी ने उनका सुरक्षा, हो सकता है पुलिस की हो, और उसका ताला तोड़ा उनके घर से करीब, जो उन्हें बताया अब तक, अभी शायद उन्हें पूरी जांच ली गई है। 10 लाख के सामान की चोरी कर ली गई है, जिसमें उनके बच्चों की फीस भी थी, उनकी तनख्वाह भी थी। तो बड़ी सुरक्षा से आए चोर, सुरक्षा से उन्होंने ताला तोड़ा दिन दहाड़े, जाड़े के दिनों में, ये नहीं गर्मी में जबकि लोग बाहर बैठते हैं कॉलोनी के अंदर, और बड़े सुरक्षित होकर उन्होंने वहाँ से सामान निकाला, सुरक्षा के साथ निकाला है, और सुरक्षा के साथ वो चले गए। और उससे पहले अभी करीब 4 दिन पहले मवाना रोड पे एक श्रवण कुमार जी हैं, नेता हैं सपा के, उनके घर में भी बड़ी सुरक्षा से सवेरे 5:30 बजे जब अपने पहली मंजिल से नीचे आए थे, तो सुरक्षा पूर्वक वहाँ पे 5 बदमाश पहुँचे, सुरक्षा से उनको कब्जे में लिया, सुरक्षा से उनके सिर में पट मारी, सुरक्षा के साथ उनको सीढ़ी से खींचते ऊपर ले गए, सुरक्षा के साथ बच्चों को डरा धमकाया, सुरक्षा के साथ वहाँ से 30 लाख रुपये का सामान चोरी करके चले गए। तो ये तो छोटे छोटे सुरक्षा हैं जो आपको योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में और मेरठ में दे रही है। मेरे ख्याल से बाकी जगह भी ये हालत होगी। अब महिला सुरक्षा की बात सुन लीजिए। एक मॉडल ने डांस क्लास शुरू की तो उनको कुछ सुरक्षित मंचलों ने छेड़ना छाड़ना शुरू कर दिया, लिहाजा उनको और उनके एक फोटो वायरल कर दिए उनके को डांस क्लास टीचर के साथ, वीडियो छेड़छाड़ करके, जो बड़ी आसानी से हो जाता है। अब वो मंजिल अब तक सुरक्षित है, उन मॉडल का मुझे नहीं पता। और फिर ये दूसरी खबर है, एक मंजिला छात्र के पीछे पड़ गया है, लगातार पीछा करता है, सुरक्षित वो सुरक्षित है, मंजिला सुरक्षित है, छात्र का पता नहीं। फिर एक बैंक कर्मचारी हैं कोतवाली क्षेत्र में, इन्होंने युवती से छेड़छाड़ की, अभी वो सुरक्षित हैं, वो सुरक्षा पूरी मिल रही है हर एक को। तो ये पूरी तरह सुरक्षित उत्तर प्रदेश में। एक फैक्ट्री पकड़ी गई है लिसाड़ी गेट में, नकली सिगरेट और बीड़ी बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है, और साथ में सुरक्षा पूर्वक कैंसर की दवाई 2 करोड़ रुपए के पकड़ गई गाजियाबाद में। तो अब हम लोग पूर्णतः सुरक्षित हैं। आप ये मत कहिएगा कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षा नहीं है, हर अपराधी यहाँ सुरक्षित है, हर मंचला सुरक्षित है, हर चोर लुटेरा सुरक्षित है। रोज सुरक्षा पूर्वक 2-3, 10-12 भी हो जाती हैं चेनी स्नैचिंग, मोबाइल चोरी हो जाती हैं। और क्योंकि पुलिस कर्मियों को इनोवा में गलियों में जाने में दिक्कत होती है, तो इसलिए अब उनको स्कॉर्पियो दी जाएगी ताकि वो सुरक्षा से चल सके। पुलिस की सुरक्षा जरूरी है, नागरिकों की हो ना हो, अगर पुलिस सुरक्षित नहीं रहेगी
तो ये जो मंजिलें हैं, ये चोर हैं, ये लुटेरे हैं, ये डकैत हैं, जो कत्ली हैं, जो बलात्कारी हैं, ये गौहत्या करने वाले हैं, इनको सुरक्षा कौन देगा? नमस्कार।